सरप्राइजेस पसंद हैं, लेकिन इतने भी सरप्राइजेस नहीं कि बिल्कुल ही ब्लैंक ये लड़का जब मुझे हाथ में गिटार पकड़ा के ले आता है ऑन एयर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। दूर से बस अभी तो वो मसले चल रहे हैं। क्या हाल है जमशेद? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से। अभी तक नाकाम है जमशेद मुकम्मल तौर पे, रसीद भाई को कुछ नहीं म्यूजिक के बारे में सिखा सके, पिछले कई महीने हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सीख रहे हैं, बस हाथ में नहीं आते ना तौसीफ साहब, इधर उधर बिजी, बड़े सेलिब्रिटी हमारे बिजी लोग हैं। क्या सीन है भाई, आज क्या सिखा रहे? आज थोड़ा प्ले करके देखें, देखते हैं कुछ साउंड ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा आपस में। तो मेरे लेवल पे नहीं पहुंच सकते, तो तुम बेसिक पे आ जाओ मेरा ख्याल। फर्स्ट स्ट्रिंग दे मुझे जरा। फर्क है ना? नो, मैं तो ऊपर चला गया था। ठहर, फिर से करते हैं। 1 2 3 फर्क है। हालांकि हम दोनों एक ही स्ट्रिंग बजा रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. लेकिन आवाज डिफरेंट निकल रही। क्यों? फिर से प्ले करें, देखते हैं मैच होती है कि नहीं होती। हो गई हो गई। ये क्या चक्कर है? यही तो सारा गेम है, ये है ट्यूनिंग। अच्छा, हाँ, आज हमने ट्यूनिंग के बारे में जरा बात करनी है। ओके। क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, और ये सिर्फ एक गिटारिस्ट के लिए नहीं है, ये एक ड्रमर के लिए नहीं है, एक तबले वाले के लिए नहीं है, एक पियानिस्ट के लिए नहीं है, एक वोकलिस्ट, ये सब लोगों के लिए। जब तक आप इन ट्यून नहीं होते तो वो चीज साउंड ठीक करती ही नहीं है। यानी सब चीजों का आपस में सुर मिला होना चाहिए। एग्जैक्टली। और जो वोकलिस्ट रियाज करते हैं वो क्यों करते हैं? वो एक एक नोट को मेमोराइज करते हैं, एक एक नोट को वो ट्यून करते हैं। तो ये ट्यूनिंग जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने अभी कैसे हुआ, पहले डिफरेंट आवाज निकल रही थी तो फिर अचानक ये लो पिच, ये सारा पिच का गेम है। वो तो हाई पिच, जैसे हम गिटार पे पकड़ते हैं ना, यहाँ पे ये हाई हो जाता है, अगर इधर जाऊंगा तो ये लो हो जाता है। तो इसी तरह से जब मैं इसको ढीला करूंगा ये लो हो जाएगा, इधर से मैं हाई करूं, इसको टाइट करूंगा तो हाई हो जाएगा। ये जो इसके साथ में एग्जैक्टली, इसको कहते हैं ट्यूनिंग हेड्स। ट्यूनिंग मशीन जो होती है, ये हेड होता है, इसके अंदर सारी ये ट्यूनिंग यहाँ पे होती है। तो अगर रबाब आप ले लें, वायलिन ले लें, सबके कान निकले होते हैं छोटे छोटे, वो कान जो होते हैं वो ट्यूनिंग हेड्स होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये तमाम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, सितार में भी होता है। हाँ, सितार में भी होता है। और जो पियानो होता है उसके अंदर भी ट्यूनिंग होती है, जो ग्रैंड पियानो होता है उसके अंदर भी सारे स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, तो वो एक एक जब आप की मारते तो अंदर से एक इस तरह लगता है उसके अंदर। उसकी ट्यूनिंग कैसे होती है? वो बहुत मुश्किल, हारमोनियम की ट्यूनिंग भी होती है। तो इस तरह से होता है। तो ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक होती है स्टैंडर्ड ट्यूनिंग जो कि ओवरऑल दुनिया में यूज की जाती है, वो होती है 440 हर्ट्ज के ऊपर। अच्छा। A440 हर्ट्ज, ये जो हमारे पास पिच है इसके साथ सारी फिर उसको इनलाइन ट्यून किया जाता है। और फिर गिटार में जो ट्यूनिंग होती है वो होती है ई ए डी जी बी ई, ठीक है, ऊपर वाला भी ई और नीचे वाला भी ई, ये लो ई। इतनी मुश्किल से मैंने एबीसी याद की थी, तूने मेरी एबीसी चेंज कर। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब आप वापस हमारा जब ये शो रिपीट होगा और आप देखेंगे तो फिर आपको फिर ज्यादा जाहिर है, ये तो ऐसी चीज है जो बार बार देखनी पड़ती है ना, ऐसे तो नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बतानी थी, वो है हारमोनिक्स। हारमोनिक्स क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? जब हम इसको प्ले करते हैं तो ये एक टोन बज रहा है ना, ठीक है, लेकिन अगर हम या फिर मैं ट्राई करूं, हाँ, पर आपके एक एक स्ट्रिंग को पकड़ो। नहीं, मैं बताता हूँ। आपने इधर एक उंगली हल्की सी रखनी है इसके ऊपर, यहाँ पे ले आए, ठीक है, ये बल्कि इससे थोड़ा सा, बल्कि आप इधर आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, ये देखें, ये हो गया। हाँ, रखनी है हल्का सा उसके ऊपर, सिर्फ रखना है उंगली को, प्रेस नहीं करना, ठीक है। अब आप इसको स्ट्रम करें, हाँ, हल्का हल्का हो रहा है, बहुत हल्का सा आप प्ले करें, बहुत हल्का सा, हाँ, हल्का सा, प्रैक्टिस के साथ आएगा, प्रैक्टिस के साथ, बट वो हल्का हल्का, देखिए इसको देखें, भैया मेरा ख्याल है हम नाजरीन ही रहे तो अच्छा है, सामीन ही रहे तो अच्छा है। नहीं, ये तो सीखना पड़ेगा ना। ये तो सीखना पड़ेगा। आपने किस एज में शुरू किया था? मैंने किस एज में शुरू किया था? I was 15 when I started taking this very seriously. एक दफा पहले भी हमने इस पे बात की थी, बिल्कुल, ये सीरियस लेने वाली बात है, वरना सीखने को आप एक साल में भी सीख सकते हैं, आप एक महीने में सीख सकते हैं। अच्छा,
फ्लुएंसी जो होती है जिस तरह लैंग्वेज में होती है आप फ्लुएंटली कुछ करते हैं वो प्रैक्टिस के साथ, वो प्रैक्टिस के साथ. एग्जैक्टली. अच्छा जमशेद, आज के सेगमेंट में हमने दो चीजें एक्सपीरियंस की, ट्यूनिंग खासतौर पे, क्योंकि ट्यूनिंग का लफ्ज हम बहुत ज्यादा सुनते थे, लेकिन वो फरमाइश आती है कि जी जमशेद अली खान आए हो तो गाना जरूर होना चाहिए. तो आज, अच्छा आज जनाब हम एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं. जमशेद गिटार बजाएंगे और गाना गाएंगे और मैं साथ ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मैं भी बजा रहा हूँ. ठीक है, ये देखो, क्या ये पता बजा भी रहे हो. यार ये देखे ना प्रोड्यूसर साहब, ये लड़का जो है ना बहुत शरारती है. गया वो जो चुरा के मेरी आंखों से निंदिया ले गया था दूर एक गांव है वहां ठंडी छांव है जाना है नदिया के के कर मेरा इंतजार मेरा पिछड़ाया मेरा पिछड़ाया कर मेरा इंतजार मेरा पिछड़ाया मेरा पिछड़ा चलते साए वही ढलते ढलते दिल में जो कुछ था वही होंठों पे आने लगा चाहता है वही मुझको मेरा पिछड़ाया मेरा पिछड़ाया कर मेरा इंतजार मेरा पिछड़ाया मेरा पिछड़ाया. क्या बात है, क्या बात है. गिटार बजाया मैंने आज बड़े ऐसे के बाद मैं फुल फॉर्म में था. फुल फॉर्म में थे, देख ली. और फिर व्यूअर्स को आप कहते हैं मुझे गिटार नहीं आता. बहुत अच्छा आता है. थैंक यू सो मच जमशेद. थैंक यू. तुम आते हो ना मेरे शो में तो ऐसे सीरियसली, तुम्हारे मुंह की तारीफ नहीं है लेकिन सीरियसली बहुत खुशी होती है. थैंक यू सो मच. एक अच्छी सी फील गुड फैक्टर, वैसे तो गुड न्यूज में होता है ना, लेकिन द वे यू परफॉर्म एंड द वे यू क्रिएट म्यूजिक से अच्छा अच्छा सा लगता है. Thank you so much. दुनिया अच्छी सी लगने लग जाती है. It's an honor मेरे लिए. Honor की बात है कि it's coming from you. जीते रहो आप, खुश रहो, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो और मेरे साथ शरारतें करते रहो. जरूर. ओके फिर. दूर-दूर से. हाय बाय. Have a great day Jamshed. Thank you. हम चल के लेंगे Rising Pakistan में एक छोटा सा ब्रेक साथियों. ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के जो ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से जो लिखने वाले हैं उस हवाले से एक बहुत बड़ा नाम जिनके ड्रामे बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे आप उन्हें देखते हैं
और हम टीवी का बेस्ट राइटर का अवार्ड भी इनके ड्रामे को मिला, साजी गुल। तो साजी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ, जिनका पीटी से भी बड़ा पुराना गहरा रिश्ता है, कुछ पुरानी यादें भी हम इनसे ताजा करेंगे। अभी मिलते हैं राइजिंग पाकिस्तान में इस छोटे से ब्रेक के बाद।